गाना वो अगर जो गाना ज्यादा चल जाता है तो महाराज उस गाने के पीछे सभी कलाकार पड़ जाते हैं। गाना एक है, कलाकार अनेक है। जो जैसे कि अब चली है इश्क बुरी बीमारी है, ऐसे ही ये भी गाना है, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कि जरा पर्दा हटा ले और मुखड़ा दिखा दे, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैरे नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले कोई। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। अब एक लड़की रहे बा फिल्म देख के आई, भान मन में विचार करो जब फिल्मी दुनिया वाले गाए रहे तो हम खे पीछे उठ जाए। नहीं, स्वामी जी की भागवत चल रही थी और जैसे ही आरती भई, अब बिटरिया ने का काम करो भई गाना और अपनी धुन में गाने लगी। अरे पर्दा हटाए ले मैया मुख दिखलाए ले, स्वामी जी ने सुना। स्वामी जी बोले जब लड़की गा रही है तो हम काहे को पीछे हट जाए। रात्रि में गम्मत का प्रोग्राम रखा और कीचक बद की लीला। कहने लगे देखिए हमारे नौजवान साथियों, जिस समय द्रौपदी का रूप भीम रख करके आया है, कीचक के सामने गया, कीचक बोला अबे तो तुम बहुत दूबर पातर होती, का बात है बहुत अब तंगड़ी हो गई हो। हाँ, लेकर महाराज कीचक बोला बस ना, अरे निको जला दे परदा महाराज। जैसे ही स्वामी जी की सुनी, महाराज सुरजन चेतन जी जो इस संसार में महाराज नहीं रहे हैं, उन्होंने सुना, बोले मतलब गुरु जी गा रहे तो हम काहे के लिए छोड़ दें भाई गाना। महाराज जिस समय रानी सुनीत झोपड़ी से निकल करके आई और जब निकल के आई तो स्वामी के हाथ को पकड़ा, अरे धीरे धीरे सुनी थी रानी लई गई
जैसे ही सुरजन चेतन जी ने गाया उसी समय ब्रजेश शास्त्री जी ने सुना, जब सुरजन चेतन जी गा रहे भैया गा रहे तो हम काहे छोड़ दें। मैटर चल रहा तो आए वे पे उनने उठाओ खरंजा पर डाल लो, खरंजा पर डाल लो। उनने सोची जब बिन गाए बे गाए रहे तो हम काहे इकले पीछे हट जाएं, बई गाना महाराज बई गाना अपनी रास्ता में। जब सोरंगा की शादी हो जाती है सदाव्रत ने देखा, सदाव्रत बोला कहां जा रही हो, और हनुमंत सक्सेना ये भी सोरंगा मांग रहे हैं, और 101 रुपया हमारे बड़े भ्राता कुलदीप कुमार जो बेंजो मास्टर हैं ये मैं सम्मान कर रहे हैं। तो सदाव्रत बोला इधर देखो कि परदाता होता है लेने का इसी बीच में कुलदीप भैया जो बेंजो मास्टर हैं ये हमें